कोरोना को हराने और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर रविवार को टीका उत्सव शुरू किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में अधिक से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। फतेहाबाद जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 100 से अधिक स्थानों पर सेशन साइट बनाई गई है, जहां स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण करेंगे। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों का भी स्वास्थ्य विभाग सहयोग ले रहा है, ताकि लोगों को कोरोना टीका के प्रति जागरूक कर उनका टीकाकरण करवाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं वैक्सीनेशन अधिकारी डॉक्टर शरद ने बताया कि जिले में लगभग 70,000 से लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, और अब इस उत्सव के तहत इन 4 दिनों में 35,000 लोगों को वैक्सीन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद शहर में करीब 10 साइट बनाई गई है, जहां टीकाकरण किया जा रहा है। इसी तरह पूरे जिले में 100 से अधिक स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, इसलिए किसी भी तरह के भ्रम में ना आए और बेझिझक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर टीकाकरण की सेशन साइट पर जाकर टीका लगवाएं, ताकि कोरोना की इस महामारी को जीतने में मदद मिल सके। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए एक टीका उत्सव की घोषणा करी है। उसी के तहत 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी टीका उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके दौरान हमारा जो लक्ष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोविड की वैक्सीनेशन पहुंचाने का है। इसी के लिए हमने शहर में अलग अलग जगहों पर तकरीबन 7 से 8 जो है अलग अलग मल्टीपल वैक्सीनेशन के सेशंस क्रिएट किए हैं, जहां पे सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक सभी लोगों का जो कि 45 वर्ष से ऊपर है उनका टीकाकरण किया जाएगा।